हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाएगी। इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ शनि के बारे में। छोटा हो या बड़ा हो, आम या खास हो, जब कभी भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं सब लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान जाने हमारी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा या बुरा। और अलग अलग वीडियोस देख के और अलग अलग बातें सुन के कई लोग तो इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि आई जस्ट कांट टेल यू। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस प्रकार से आम लोगों को, जिन्हें वास्तु ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है, क्यों डराते हैं। तो मैं डॉक्टर माया मसंद, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, न यहां से न वहां से, न देख के न सुन के, न ही अंदाज से, जो कुछ भी मैं बताऊंगी मेरे वर्षों के अनुभव से। तो ये हम सभी जानते हैं कि शनि अभी कुंभ राशि में आ गए हैं। पहले भी अपनी ही राशि में थे, परंतु कुंभ राशि उनकी त्रिकोण की राशि मानी जाती है। इस राशि में आना बहुत सारे परिवर्तन जरूर लाता है, पर सबसे पहले ये देखना है कि चाहे व्यक्ति किसी भी राशि का हो, चाहे उसके लिए कितना भी शनिदेव कारक हो या अकारक हो, उसे अपनी सुरक्षा तो करनी ही पड़ती है। तो क्यों नहीं सबसे पहले सुरक्षा अपने स्थान की जाए। वास्तु ग्रहों के अलावा आपके घर में भी वास करते हैं, आपके बिजनेस में भी वास करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेबरस वर्क करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि शनि उन्हें कर्म स्थान पर फेवर नहीं दे रहा है। और वहीं कई बार लोग बहुत पूजा अर्चना करते हैं, वास्तु अच्छा रखते हैं, फिर भी घर में हड्डियों संबंधी परेशानी होती है, बीमारी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और कोर्ट कचहरी होती रहती है, और घर में बार बार कुछ न कुछ टूट फूट होती है जिसकी मरम्मत करते रहना पड़ता है। तो उसका कारण रहता है कि शनि उस घर में फेवर नहीं कर रहे हैं या कारक होके नहीं बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले बहुत ही वंडरफुल उपाय बता रही हूं जो आपको करना है। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में आ गए, हालांकि बीच में वो राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु फिर भी पूरे 2.5 साल आपको ये उपाय जो मैं बता रही हूं वो करके रख लेना है। इसी शनिवार या इसी आगे आने वाले शनिवार को ये उपाय कर लें। आपको सबसे पहले लेना है 1.25 पाव काला उड़द और साथ लेनी है आपको खड़ी लौंग जो साबुत हो। उसके बाद साथ आपको लेने हैं किले, जो कील रहती है दीवार में, कंस्ट्रक्शन में जो काम होती है, वो पुरानी जो कीले रहती है जिसमें थोड़ा सा जंग लग जाता है, खराब सी दिखती है, काली हो जाती है या जंग वाली हो जाती है, वो अच्छी मोटी वाली 7 पीस लेना है। एक मुट्ठी पूरा लेना है कपूर, और उसके अलावा आप अगर ला सकते हैं, मिल सकता है, तो एक मुट्ठी कोयला ले लें और इस सब को एक गठरी टाइप बना लें, मतलब उसको बांधना है एक काले कपड़े में और गठरी टाइप का बन जाएगा, उसे अपने घर में कहीं भी पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर पश्चिम दिशा में आपका कोई ऐसा कमरा है जहां पर कि आपको ज्यादा काम नहीं पड़ता है, या कोई अलमारी है, कुछ भी जगह है, कबाड़ खाना है, आप उसमें रख दीजिए। हालांकि घर में कबाड़ नहीं रखना चाहिए, चाहे ये माना गया है कि वेस्ट दिशा में आप कितना भी क्लटर, साउथ वेस्ट में कितना भी क्लटर रख सकते हैं, इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। आप शनिवार के दिन सिर्फ घर की सफाई मत करिए, बाकी पूरा घर साफ रखिए। सफाई नहीं करना मतलब झाड़ू अगर लगाना है, यानी कि जैसे घर में बहुत सारा क्लटर है, कचरा पड़ा है, उसे शनिवार के दिन साफ नहीं करें। और खास करके अभी तो बहुत ही ध्यान रखें 2.5 साल, क्योंकि आपको बरकत चाहिए। अगर शनिवार के दिन आप घर की सफाई करते हैं तो उससे बरकत कम होती है। इसके ऊपर भी, इस सब्जेक्ट पर भी मेरा एक वीडियो है, उसे जरूर आप देख लीजिएगा। अब ये जो गठरी मैंने बताई, जो बांध के रखनी है, अपने घर के वेस्ट दिशा में रखनी है, यानी कि पश्चिम दिशा में कहीं भी रखें। उसके अलावा इसे अपने बिजनेस में वेस्ट दिशा में रख देना है। इससे बिजनेस भी अच्छा चलेगा, उस स्थान का वास्तु सही रहेगा और सफलता आपके जीवन में बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी इस एक उपाय से ही। उसके बाद अब आता है कि राशि के अनुसार किस राशि को शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं। अब इंडिविजुअल जो आपकी राशि है उससे भी शनि का बहुत प्रभाव पड़ता है।
तो मैं यहां ये बताना चाहूंगी कि जो भी वृश्चिक राशि के हैं और मेष राशि के, यानी कि जिनका मंगल स्वामी रहता है, वो हर मंगलवार यानी कि 7 मंगलवार एटलीस्ट आपको हनुमान मंदिर जाना है, एक नारियल तोड़ के आए, गुड़ चढ़ाएं, और अगर कर सकते हैं तो हनुमान का चमेली का तेल भी चढ़ाएं या फिर चोला चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाएं, पर हर मंगलवार को कम से कम 11 मंगलवार आप एक नारियल जरूर तोड़ें और थोड़ा सा गुड़ रख के आए ताकि शनि का प्रदोष आपके ऊपर नहीं पड़े, किसी प्रकार के दोष में आप नहीं आए। वृषभ और तुला राशि वाले व्यक्ति जिसका मालिक शुक्र होता है, उस केस में शनि उनको इतना ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, पर उनको प्रसन्न रखने के लिए आप देवी माता या काली माता मंदिर में जाएं और वहां पे नारियल तोड़ें और कम से कम कुछ सफेद रंग का कोई भी मिठाई या कोई भी मीठी वस्तु वहां सबको बांटें या प्रसाद चढ़ाएं। ये 11 शुक्रवार आपको करना है। अब आता है कन्या राशि और मिथुन राशि वाले जिनका स्वामी बुध रहता है, इनको बुधवार के दिन, हर बुधवार को कम से कम 11 बुधवार वो गणपति जी के मंदिर में जाएं और उनको मोदक या मीठा जो भी आपको समझ में आए आप उनको जरूर चढ़ाएं। किसी कन्या को आप हरी ड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं इन 11 जो बुधवार आएंगे, कम से कम 11 बुधवार आप, हालांकि आप चाहे तो 2.5 साल भी कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। कर्क राशि वालों को विशेष ध्यान देना है क्योंकि कर्क यानी कि चंद्रमा की राशि रहती है और उनका शनि से बहुत अच्छा योग नहीं रहता है, एक प्रकार से उनको अढ़ैया भी शुरू हो रहा है, इसलिए हर शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन, है ना, कर्क राशि वालों का चंद्रमा कारक रहता है, सोमवार उनका विशेष रहता है, पर ये उपाय चूंकि शिव जी के मंदिर में करना है तो आप शनिवार को भी कर सकते हैं या फिर सोमवार को कर सकते हैं। हर सोमवार या शनिवार कर्क राशि वाले 11 शनिवार या सोमवार करना है, एक गिलास दूध में डालना है 2 चम्मच शक्कर, 1 इलायची का मतलब पीस लें और उसका पाउडर डालें और शिवलिंग पे चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो 2.5 साल तक आपको शनि के अढ़ैया से, उनके प्रकोप से बचाएं और आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। यकीन मानिए आपके जितने भी काम रुक रहे हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन संबंधी या फिर किसी भी प्रकार के मनी ट्रांजेक्शन संबंधी या हेल्थ संबंधी या डिसीजन मेंटल टेंशन, इन सारी चीजों में कर्क राशि वालों को ये एक उपाय, अगर 2.5 साल लगातार करना है तो कर लीजिए, नहीं तो 11 शनिवार या सोमवार ये दूध शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं।